देखते ही देखते ये बात बिजली की गति से पूरे उपवन सोसाइटी में फैल गई। फिर क्या था, कोई परिवार इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। दूसरे ही दिन से खेलने के बाद सभी बच्चे अपने अपने किताब कॉपियों के साथ दादाजी के पास पहुंच गए। वहीं टावर के नीचे जमीन पर पाठशाला जमने लगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। ये है स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट, कहानियां जो दिल से निकले सीधे दिल पर दस्तक दें। चलिए मेरे साथ कहानी के उस सफर में जो सच्चाई से रूबरू कराती है, छुप छुप कर आंखों से आंसू बहाती है, जो कभी इश्क में चुन्नी का छोर मुंह में दबा लेती है, जो कहती कुछ और है पर हर किसी की जिंदगी से जुड़ जाती है, एक पल में हंसाती तो दूसरे पल में रुला देती है, एक साथ कई जिंदगी जीने का मजा देती है। तो ऐसी कहानियों के लिए सुनिए मेरी लिखी कहानी, मेरी ही जुबानी, कहानी संख्या 29 और आज की कहानी का नाम है दादाजी की पाठशाला। बहती हुई लहरें जैसे अचानक पत्थर के पास आकर ठहर जाती हैं, ठीक उसी प्रकार उपवन सोसाइटी में खेलते बच्चों की स्वाभाविक हंसी और खेलकूद में बाधा पड़ गई। बच्चे दौड़ते दौड़ते अचानक रुक गए और एक दूसरे के कंधे के पीछे छिपने छिपाने लगे। हंसते हुए बच्चे अचानक चुप हो गए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उनके साम्राज्य में एक अपरिचित का आगमन हो गया था। एक बुजुर्ग आज पहली बार दिखाई पड़े। वे वहीं बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहे थे। राहुल ने बॉल मारी तो सीधी उसी बेंच के नीचे जाकर रुक गई जहां वे बैठे थे। बच्चों का समूह बॉल के पीछे दौड़ा पर अचानक रुक गया और सभी के सभी एक गोला बनाकर एक दूसरे के पीछे छिपने लगे। वहां बैठे बुजुर्ग ने बच्चों को इशारे से बुलाया ताकि वे अपनी बॉल ले सकें, पर कोई नहीं आया। हाँ, वे एक दूसरे को धक्का अवश्य दे रहे थे। बुजुर्ग ने अपना मुंह फेर लिया ताकि उनमें से कोई भी आकर बॉल ले जाए, पर कोई नहीं आया। हारकर बुजुर्ग ने बॉल उठाई और बच्चों की तरफ फेंक दिया। सारे के सारे बच्चे उस बॉल के पीछे भागते भागते उनसे दूर चले गए। धीरे धीरे बड़ी ही दबी जुबान में उन अपरिचित की चर्चा हर घर में होने लगी। माताओं ने अपने अपने बच्चों को दोबारा से सीख देनी शुरू कर दी। किसी अपरिचित से बात नहीं करते, उनका दिया हुआ कुछ भी खाते पीते नहीं, उनकी तरफ देखते भी नहीं, आदि आदि न जाने क्या। माताओं के द्वारा दी गई सीख एक तरफ और बच्चों का छल रहित जीवन एक तरफ। जल्दी ही बच्चों में तथा अपरिचित में दोस्ती हो गई। स्त्रियां जो स्वभाव से ही खोजी प्रवृत्ति की होती हैं, उन्होंने शीघ्र ही पता लगा लिया कि उन अपरिचित का नाम नवीन मिश्रा है। वे उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के निवासी हैं। उनके दो लड़के हैं जो अमेरिका तथा अफ्रीका में रहते हैं तथा एक लड़की भी है जिसका विवाह दक्षिण ब्राह्मण परिवार में हुआ है और वह चेन्नई में अपने ससुराल में है। 2 वर्ष पूर्व पत्नी का देहांत हो गया। तब से वे एकाकी जीवन का बोझ लिए कभी बेटों के घर तो कभी बेटी के घर चले जाते हैं। उपवन सोसाइटी में उनका अपना फ्लैट है 510। संगीता को जब नवीन जी के बारे में पता चला, उसके मन में नवीन जी के प्रति सहानुभूति और बढ़ गई। उसे लगा कि नवीन जी को या उन जैसे लोगों को और प्यार मिलना चाहिए। वह उन्हें अपने घर बुलाना चाहती थी, कुछ अच्छा बना हो तो उनके घर देना चाहती थी, पर बिना परिचय के इस प्रकार मेल जोल बढ़ाना उसे उचित नहीं लगा।
थोड़ी देर बाद संगीता ने सोचा शाम को उनसे बात करके खाने के लिए उन्हें आमंत्रित कर लेगी। शाम को बेंच खाली देख उसका दिल धड़क गया। बच्चों को बाग में छोड़कर वह फ्लैट नंबर 710 पहुंच गई। बेल बजाया। कोई आवाज नहीं आई। उसने फिर बेल बजाया पर कोई प्रतिक्रिया ना पा सीधे सोसाइटी ऑफिस पहुंच गई। वहां जाकर पता चला कि मिस्टर नवीन कल ही अपनी बेटी के पास चेन्नई चले गए हैं। ये समाचार पाकर संगीता के जान में जान आ गई। लगभग 20 दिन लगाकर नवीन जी वापस आ गए। आए हुए भी एक महीना से ऊपर हो गया था। दिसंबर का महीना था, खूब ठंड पड़ रही थी। शाम के 4 बजते बजते वे नीचे आकर हल्की धूप में बैठकर अखबार पढ़ते। अब तक बच्चों से उनकी दोस्ती हो गई थी। बच्चों से ही क्यों, उनके माता पिता से भी रिश्ता कायम हो गया था। सोसाइटी के सभी लोग उनका आदर करते और बदले में वे सब पर जी खोल कर प्यार लुटाते। और कई बार माताएं उनकी निगरानी में अपने अपने बच्चों को छोड़कर हाट बाजार या किसी आवश्यक काम के लिए चली जाया करती। एक दिन राहुल खेलने नहीं आया, दूसरे दिन शाम को भी नहीं आया। उसके नीचे ना आने पर कोई चिंतित हुआ हो या नहीं हुआ हो, पर दादाजी जरूर चिंतित हो गए। अपनी चिंता दूर करने के लिए वे राहुल के घर पहुंच गए। सामने राहुल की माँ प्रतिभा मिल गई। उनसे पूछने पर पता चला कि प्रतिभा की आजकल शाम की शिफ्ट में ड्यूटी चल रही है, इसलिए वे काम पर जाने से पहले अपने सामने ही उसे पढ़ाती हैं। दादाजी ने समझाते हुए कहा, बेटा बच्चों के लिए खेलना भी बहुत जरूरी है, यदि खेलेगा नहीं तो शरीर कैसे मजबूत होगा। मैं जानती हूँ चाचा जी, पर मैं करूँ तो क्या करूँ, पर हाँ यदि आप मेरी मदद कर दें तो इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है। वह कैसे, यदि आप समय निकालकर राहुल को पढ़ा दे तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर पढ़ा दिया करूंगा, बस तुम उसे खेलने के समय खेलने भेज दिया करो। देखते ही यह बात बिजली की गति से पूरे उपवन सोसाइटी में फैल गई। कोई भी परिवार इस अवसर को अपने हाथ से जाने ही नहीं देना चाहता था। दूसरे ही दिन से खेलने के बाद सभी बच्चे अपने अपने किताब कॉपियों के साथ दादाजी के पास पहुंच गए। वहीं टावर के नीचे जमीन पर पाठशाला जमने लगी। प्रतिदिन बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। आखिर कोई माँ इस प्रकार का लाभ उठाने से पीछे कैसे रह सकती है। दादाजी की पाठशाला में किसी भी बच्चे को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी से ये भी नहीं कहना पड़ता था कि पढ़ाई करो। उस पाठशाला में कविता पाठन, भाषण, कहानी सुनाने से लेकर निबंध लेखन की भी प्रतियोगिता होती। पढ़ाई के लिए बच्चों में इतनी ललक इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। शाम होते ही सारे के सारे बच्चे जिस स्थान के लिए बेचैन हो जाते थे वह स्थान था दादाजी की पाठशाला। सुनने में नाम जितना अच्छा लग रहा है, वहां की क्रियाएं उससे भी ज्यादा अच्छी थी। जो बातें परिवार में लोगों के लिए बच्चों को सिखा पाना मुश्किल हो रहा था, वे सभी बातें दादाजी की पाठशाला में बच्चे बड़े सहज भाव से सीख जाया करते थे। एक दिन दादाजी को उदास देखकर रिक्की ने पूछा, क्या हुआ दादाजी, आज आपकी कोई चीज खो गई है क्या, आप उदास क्यों हैं? मैं और उदास? उदास हो मेरे दुश्मन, हो 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 हो। अरे तुम बच्चों के रहते मैं भला उदास हो सकता हूँ? पर बातों ही बातों में वे कहीं खो जाते थे। उनको खोया खोया देखकर आदित्य अपनी जगह से उठा और कंधे को पकड़कर बोला, आज जरूर आप कुछ छिपा रहे हैं, क्या बात है दादाजी, क्या कोई परेशानी है आपको, मुझे बताइए
मैं पापा को बता दूंगा, मेरे पापा सारी परेशानी दूर कर देते हैं। दादाजी ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा, नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं, और कोई परेशानी होगी तो आपके पापा को जरूर बताएंगे, और उससे पहले आपको बताएंगे। और हमें? निधि ने पूछा। आपको भी बताएंगे, दादाजी ने हंसते हुए कहा। थोड़े ही दिनों में ये बात फैलने लगी कि दादाजी अपने बेटे के पास अमेरिका जा रहे हैं। कोई नहीं चाहता था कि दादाजी जाएं, पर कहता कुछ भी नहीं था। बच्चे मासूम होते हैं, वे अपनी मन की भावना को बिना छिपाए जब तब दादाजी के सामने रख ही देते थे। कहते, आप नहीं जाइए, क्यों जा रहे हैं, हम हैं ना आपका ख्याल रखने वाले। और जवाब में दादाजी कभी कभी उदास हो जाते या फिर हंस देते। लगभग 15 दिन की लगातार भागदौड़ तथा खरीद फरोख के बाद वह दिन भी आ गया जब दादाजी को जाना था। पूरी सोसाइटी में उदासी साफ नजर आ रही थी। रविवार का दिन था, अतः सभी ने पूरा दिन साथ साथ बिताया। भूख न लगने पर भी सबने साथ साथ खाना खाया। शाम को जब नवीन जी चले तो उनके साथ सारी की सारी ओपन सोसाइटी चल पड़ी। नवीन जी अवाक खड़े सबको देखते ही रह गए। उनके लाख समझाने के बाद भी कोई रुकने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार एयरपोर्ट के लिए कारवां चल पड़ा। दादाजी बच्चों के साथ वाली गाड़ी में बैठे जिसमें ज्यादा बच्चे बैठ सकते थे। जो बैठ गए वे खुश थे, जिन्हें जगह नहीं मिली वे रोने लगे। किसी तरह इस बात पर समझौता हुआ कि आधी दूरी के बाद दादाजी दूसरे उन बच्चों के साथ बैठेंगे जो अभी दूसरी कार में हैं। एयरपोर्ट पहुंचकर न चाहते हुए भी नवीन जी ने सबसे विदा ली, और जब जाने लगे तभी अमेरिका से उनके बेटे का फोन आया। वे थोड़ा अलग जाकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बात करने के बाद वे आए और अचानक गर्वित को उठाकर नाचने लगे। सभी आश्चर्य से जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या। सबकी जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से उन्होंने कहा, अब लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो मेरा सामान उठाओ और घर वापस चलो। पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, फिर जब समझ में आया तो जो जहां खड़ा था वहीं नाचने लगा। बच्चे खुशी के मारे एक दूसरे पर चढ़ने और कूदने लगे। उन सभी का पागलपन देखकर हर आने जाने वाला एक पल के लिए रुककर उन सबको देखने लगता। प्रताप ने फटाफट गाड़ी में सामान रखा और वापस चल पड़ा, ये सोचकर कि कहीं नवीन जी का मन फिर न बदल जाए। दिन भर के भूखे लोगों ने रास्ते में मैकडोनल्ड पर जमकर पार्टी की। सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए नवीन जी ने स्वयं बताया, मैं अमेरिका सिर्फ इसलिए जा रहा था ताकि मेरा वीजा रद्द न हो। संगीता ने पूछा, क्या मतलब? अरे बेटा, मेरे पास यूएसए का वीजा है जिसके लिए हर 6 महीने में एक बार वहां जाना जरूरी होता है। प्रभात ने पूछा, अब क्या होगा? होगा क्या, कुछ नहीं। अरे भाई, मैंने सोचा कि मैं जिन अपनों को खोजने के लिए 7 समंदर पार जा रहा था वह तो मृग तृष्णा थी। वहां मेरा बेटा है, पर उसके पास समय नहीं कि एक पल भी मेरे पास बैठकर मेरा हाल चाल पूछ ले। और यहां मेरा कोई नहीं पर मेरे लिए आंसू बहाने वाले हैं, मेरे लिए भूखे रहने वाले हैं, मेरे लिए समय निकालकर एयरपोर्ट तक आने वाले तो यहां हैं। यदि फिर भी मैं चला जाता तो शायद इस प्यार के साथ अन्याय होता। सबकी आंखें नम हो गई। थोड़ी देर रुककर शरद ने पूछा, फिर वीजा का क्या होगा? एक बार समय निकल गया तो आप कैसे जाएंगे? मैं क्यों जाऊं वहां, यदि आना है तो वे आए,
और रही बात जरूरत की, जरूरत तब पड़ेगी जब मैं बीमार पड़ूंगा, तो तुम सब लोग सुन लो, इतना प्यार पाने के बाद मैं बीमार पड़ने वाला नहीं, और पड़ भी गया तो तुम लोगों के रहते मुझे किसी की जरूरत नहीं। नवीन जी ने घर पहुंचकर अपने दिल को टटोला कि कहीं उन्होंने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया, पर उन्हें वहां सुकून और शांति का अनुभव हुआ। फिर क्या, बस एक नई सुबह के लिए चादर तान के सो। धन्यवाद। यही जीवन की सच्चाई है। महानगरीय जीवन तथा वैश्वीकरण ने हमें अपनों से दूर एकाकी जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है। संभावनाओं को तलाशती मेरी कहानी ने यदि आपके विचार को छू लिया हो तो कृपया अपने मित्रों के साथ साझा जरूर कीजिए और अपने विचार shraddha.pdy@gmail.com पर भेजने का कष्ट कीजिए। एक पक्ष के पश्चात फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में।